हेलो दोस्तों, नमस्कार, आप सभी का स्वागत है टारगेट क्लासेस विद हरीश सर में। इस वीडियो में राजस्थान पीटीआई से रिलेटेड कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट टॉप 20 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आगामी एग्जाम्स के लिए बहुत उपयोगी होंगे। और जो लोग भी हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे किसी भी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को समय से मिल सके। तो शुरुआत करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन की। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर 121 नंबर का क्वेश्चन है, और ध्यान रखिएगा पेड ग्रुप में आपके लिए जो आज एक सीरीज कंप्लीट हुई है, उसके बाद कल से आपका साइकोलॉजी का पोर्शन शुरू कर दिया जाएगा, जिसकी फर्स्ट सीरीज में मोस्ट से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको प्रोवाइड किए जा चुके हैं राजस्थान से रिलेटेड। सेकेंड सीरीज आपकी सेकेंड यूनिट जो कल से शुरुआत होगी, शैक्षिक मनोविज्ञान से रिलेटेड होगी, साइकोलॉजी से रिलेटेड होगी, क्योंकि वहां पे भी आपके 20 क्वेश्चंस 40 नंबर के पूछे जाते हैं। राजस्थान पीटीआई 25 सितंबर को एग्जाम होना है, तो उसके लिए आप लोग प्रिपरेशन करते रहिएगा। जो भी अभ्यर्थी ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं 9621819209 पर कांटेक्ट कर सकते हैं, इसी नंबर पर पेमेंट कर सकते हैं, फोन पे, गूगल पे, अमेज़न पे, पेटीएम अकाउंट पे, व्हाट्सएप पेमेंट या फिर किसी अन्य के माध्यम से भी आप पेमेंट करके ग्रुप से जुड़ सकते हैं। डेली आपको वहां पे मॉक टेस्ट प्रोवाइड किया जाता है, और साथ में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं उनकी सीरीज की पीडीएफ भी आंसर सहित प्रोवाइड की जाती है, जो आपका मॉक टेस्ट कंप्लीट करा दिया जाता है। जो भी अभ्यर्थी आप जुड़ना चाहते हैं जुड़ सकते हैं, इससे आप लोग अपनी कंटिन्यूटी बनाए रख सकते हैं और अपना आकलन भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 121, राज्य की कौन सी नदी यमुना में मिलती है? तो इसमें से कौन सी नदी है जो यमुना में मिलती है, बाण गंगा, जवाई, लूनी या फिर इनमें से कोई नहीं? 121 का राइट आंसर आपको अटेम्प्ट करके बताना है कि कौन सी नदी है जो यमुना में मिलती है, बाण गंगा। इसका राइट आंसर है ए, उत्तर सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 122, निम्न में से कौन सा युग्म सही है? निम्न में से बताना कि कौन सा युग्म सही है, कोठारी लूनी, जाखम माही, बाण गंगा बनास या फिर सुकड़ी चंबल। 122 का आंसर क्लिक करना है आपको, सही उत्तर क्या हो जाता है यहां पे, निम्न में से कौन सा युग्म सही है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा जाखम माही से रिलेट करता है, बी उत्तर सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। 123, राजस्थान के मरुस्थलीय प्रदेश की मुख्य नदी कौन सी है? जो मरुस्थलीय प्रदेश है इसकी मुख्य नदी कौन सी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में भी पूछा जाता है। 123 का आंसर देखिएगा, लूनी, बनास, गंभीर या फिर माई। आपको अरब सागर में गिरने वाली नदियों की ट्रिक हमने आपको बताई थी, समानता से रिलेट करता है। क्वेश्चन नंबर 123 लूनी के साथ में रिलेट करता है, ए ऑप्शन सही आंसर। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार विजिट करें चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि मोस्ट से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज आपको चैनल पर प्रोवाइड की जाती है। यूपी टीजीटी, राजस्थान पीटीआई दोनों बैचेस चल रहे हैं, जिस भी बैच में आप जुड़ना चाहते हैं उस बैच में जुड़ के अपनी तैयारी कंटिन्यू कंप्लीट कर सकते हैं। राजस्थान के आंतरिक प्रवाह क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? इसकी सबसे बड़ी नदी कौन सी है, काकनी नदी है, घग्गर नदी है, बाण गंगा नदी है या फिर बनास नदी है? 124 का आंसर आपको अटेम्प्ट करके बताना है कि कौन सा उत्तर सही हो जाएगा, 124 नंबर। तो राजस्थान के आंतरिक प्रवाह क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी कौन सी हो जाती है, घग्गर नदी हो जाती है, बी ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा, बी उत्तर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करेंगे। 125, राजस्थान में सतही जल की उपलब्धता किस नदी में सर्वाधिक है? कौन सी नदी में सतही जल की उपलब्धता सबसे ज्यादा है, 125, लूनी, चंबल, माही या फिर बनास? 125 का राइट आंसर किस उत्तर से रिलेट करेगा, 125 नंबर। तो ये रिलेट कर जाता है आपका चंबल के साथ में, बी ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। राजस्थान में प्रवाहित होने वाली कौन सी नदी हिमालय की शिवालिक पर्वत श्रेणियों से निकलती है? इसका भी आंसर आपको अटेम्प्ट करना है कि कौन सा उत्तर सही होगा। और इसके पहले के वीडियो अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, फिजिकल एजुकेशन भाई पंकज सर सर्च करिएगा, सभी वीडियोज वहां पे प्लेलिस्ट में पिनअप किए गए हैं, वहां से आप उन वीडियोज को देख सकते हैं। 126 दिया हुआ है,
इसका आंसर देखिएगा किस ऑप्शन से रिलेट करेगा, स्कोरिंग करके अवश्य बताइए कि जितने भी स्टूडेंट्स अभी राजस्थान से बिलोंग करते हैं, बाकी अदर स्टेट के स्टूडेंट्स अपने क्वेश्चंस को 2 से 3 बार रिपीट करेंगे जिससे आंसर आपके माइंड में फिट हो सके। 126 का घग्गर के साथ में रिलेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 127, राजस्थान के किस जिले में रन का बाहुल्य है, कौन से जिले में रन का बाहुल्य है, यह आपको बताना, जोधपुर, बाड़मेर, जालौर या फिर जैसलमेर। 127, तो इसमें जो बाहुल्य है ये बाड़मेर में है, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील कहां स्थित है, विश्व की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील आपको बताना है, राजसमंद झील, पिछौला झील, बालसमंद झील या फिर जयसमंद झील। 128 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वीडियो के प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चन दिया गया था, जयसमंद के साथ में रिलेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। 129, भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो अगर खारे पानी की बात कर ली जाए तो सबसे बड़ी झील कौन सी हो जाएगी, पचपदरा झील होगी, सांभर झील होगी, रामगढ़ झील होगी या फिर कावोद झील होगी। 129 में आपको अटेम्प्ट करना है कि कौन सा उत्तर यहां पे सही हो जाएगा। भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील, इसका आंसर क्या हो जाता है, सांभर झील, बिल्कुल बी ऑप्शन राइट आंसर, बी उत्तर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 130 नंबर है, मरुस्थल में बुज झील का निर्माण किस नदी पर किया गया, कौन सी नदी पर इसका निर्माण किया गया है, कांतली, घग्घर, काकने या फिर लूनी। 130 मरुस्थल की अगर बात की जाए तो 130 का जो सही आंसर हो जाता है यहां पे कौन सा ऑप्शन से रिलेट करेगा, काकने के साथ में रिलेट करता है, सी ऑप्शन राइट आंसर। 131 पे मूव करते हैं। 131 से लूनी नदी अपना पानी उड़ेलती है किसमें, कच्छ के रण में, इंपॉर्टेंट है, 131 नंबर का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, खंभात की खाड़ी में, कच्छ की खाड़ी में या फिर कोई नहीं। 25 सितंबर को एग्जाम होना है, कंटिन्यूटी आप लोग बनाए रखिए, मेहनत करते रहिएगा तभी आपको एग्जाम में सफलता प्राप्त होगी। 131 का कच्छ के रन यानी कि ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होता है, ए उत्तर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। 132 है, राजस्थान की अपवाह प्रणाली की प्रमुख विशेषता क्या है, अपवाह प्रणाली की प्रमुख विशेषता क्या है, आंतरिक प्रवाह प्रणाली, अरब सागर की प्रवाह प्रणाली, अरब सागर की प्रवाह प्रणाली दो बार ऑप्शन में दिया है, कोई नहीं। यहां पे 133 का आंसर बी और सी न टिक लगाइएगा, यहां पे हो जाएगा आपका ए ऑप्शन इसका राइट आंसर। मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर। 133, आयड़ नदी किस नदी का उपनाम है, तो यह किस नदी का उपनाम है, बेड़च, काली सिंध, बनास या फिर कोठारी। तो ये आपका जो आंसर होगा, आयड़ नदी की बात की जाए तो बेड़च से रिलेट करता है, ए उत्तर सही आंसर होगा, ए ऑप्शन राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 134 आपकी स्क्रीन पर, इसमें ध्यान रखिएगा, 134 इसमें नहीं दिया है, 135 देखते हैं। जग निवास व जगमिंदर नामक दो महल किस झील के अंदर है, कौन सी झील के अंदर है, इसका आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन एक बार आप लोग चेकआउट करिएगा, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। राइट आंसर यहां पे किस ऑप्शन के साथ में रिलेट करता है, इसका उत्तर क्या हो जाएगा, एक बार चेक करिएगा इसका आंसर, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा है। 135 नंबर का क्वेश्चन है, आप लोग एक बार आंसर देखिएगा, यहां पे आपका आंसर होना चाहिए ए। तो आंसर यहां पे किससे रिलेट कर जाएगा, बिल्कुल ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, राजसमंद के साथ में रिलेट करता है, ए उत्तर सही आंसर। इसके पहले का क्वेश्चन जो दिया हुआ 133, इसका जो आंसर होगा ए ऑप्शन ही होगा। क्वेश्चन नंबर 136 है, यहां पे एक क्वेश्चन छूटा हुआ था। 136 है, राज्य की कौन सी झील का नमक खाने योग्य नहीं है, कौन सी झील का नमक खाने योग्य नहीं है, यह आपको बता देना है। यहां पर डीलवाना झील, पचपदरा, लूनर कर्णसर या फिर सांभर। 136 क्लिक करिएगा आंसर अपना। राजस्थान के जितने भी अभ्यर्थी जुड़े हुए हैं सभी का आंसर सही होना चाहिए। डिलवाना के साथ में रिलेट करेगा, बिल्कुल डी ऑप्शन नहीं, यहां पे बी के साथ में रिलेट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 137, राज प्रशस्ति शिलालेख किस झील का उत्कीर्ण है, ये कौन सी झील का उत्कीर्ण है,
जैसमंद, कोलायत, पिछौला या फिर राजसमंद। 137 डी ऑप्शन राजसमंद से रिलेट करता है। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे अगर पहली बार आप विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ में वीडियो को 5 से 6 ग्रुपों में शेयर भी करिए कि जो भी स्टूडेंट राजस्थान पीटीआई या फिर यूपी टीजीटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं ग्रुप में शेयर करिए, जिससे सभी को इसका बेनिफिट मिल सके। जो भी अभ्यर्थी नए ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, डेली मॉक टेस्ट प्राप्त करके अपनी तैयारी कंप्लीट करना चाहते हैं, क्योंकि मॉक टेस्ट लगाने से आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है और अपनी तैयारी का आपको आकलन होता है किस लेवल पे आपकी तैयारी चल रही है। 9621819209 पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं राजस्थान पीटीआई या फिर यूपी टीजीटी, जिस भी बैच में आप जुड़ना चाहते हैं वहां पर जुड़ सकते हैं। 700 रुपीज का पेमेंट करें। 138 में आंसर हो जाएगा जयसमंद, बी ऑप्शन सही आंसर होगा, बी उत्तर राइट आंसर होता है। क्वेश्चन आपको जो भी प्रोवाइड किया जाएगा एग्जाम के स्तर का ही प्रोवाइड किया जाएगा। ब्रह्मा जी का मंदिर किस झील के किनारे स्थित है? एकमात्र मंजिल मंदिर है आपका पुष्कर में, तो ये किस झील के किनारे है? पुष्कर झील के किनारे है, ए ऑप्शन होता है। आज की इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, मोरली झाड़ी की टहनियों का उपयोग नमक बनाने के लिए किस झील में किया जाता है? जबरदस्त क्वेश्चन है, राजस्थान पीटीआई ग्रेड 3 फिजिकल टीचर इंस्ट्रक्टर अनुदेशक की जो पोस्ट निकली है उसके लिए 140 का आंसर यहां पे डीडवाना आप लोग टिक लगा रहे हैं, लेकिन राइट आंसर हो जाएगा 515। डी उत्तर सही हो जाएगा, डी ऑप्शन राइट आंसर। तो ये थे आज के कुछ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉप 20 क्वेश्चन। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे पहली बार विजिट करें चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि मोस्ट से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको चैनल पर प्रोवाइड किए जाते हैं। और जो भी अभ्यर्थी ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं 9621819209 पर कांटेक्ट कर सकते हैं, इसी नंबर पर आप लोग पेमेंट कर सकते हैं। फोन पे, गूगल पे, अमेजन पे, पेटीएम अकाउंट पे, व्हाट्सएप पेमेंट या फिर किसी अन्य के माध्यम से भी आप पेमेंट करके स्क्रीनशॉट सेंड कर सकते हैं। जैसे आप स्क्रीनशॉट सेंड करेंगे तुरंत आपको ग्रुप से ऐड कर दिया जाएगा। डेली मॉक टेस्ट, जो भी आपको मॉक टेस्ट प्रोवाइड किया जा रहा है सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग उनको रिपीट करिएगा, पढ़िएगा, कहीं ना कहीं एग्जाम में अवश्य हेल्पफुल साबित होंगे। तो नए वीडियो में कुछ मिलते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार।